हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th का एक चैप्टर है, सजीव जगत की विविधता। ठीक है, ये आपका क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर है, सजीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि जो ये चैप्टर है सजीव जगत की विविधता, ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ। जो मैंने क्लास 11th की फर्स्ट वीडियो डाली थी वो इसी चैप्टर की थी, बट इस चैप्टर में मैंने देखा तो मैं एक टॉपिक छूट गया था आपको पढ़ाने से, वो था प्लांट सेल या फिर पादप कोशिका की संरचना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कवर करेंगे विद थ्योरी, और जो अदर टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो या फिर सब चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, तो कभी आप सोचें कि जो ये चैप्टर है सजीव जगत की विविधता, इसकी केवल एक ही वीडियो है, ऐसा नहीं है। मैं इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा चुकी हूँ पहले ही, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लो एक बार। तो स्टार्ट करते हैं, पादप कोशिका या फिर प्लांट सेल का सचित्र वर्णन करो। आपका क्लास 11th में बायोलॉजी में एक टॉपिक आता है कि प्लांट सेल का सचित्र वर्णन करो। प्लांट सेल, जिसे हिंदी में बोल रहे हैं पादप कोशिका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये 3 नंबर में आता है और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ओके, कभी कभी पूरा ही आ जाएगा कि प्लांट सेल का सचित्र वर्णन करो विद डायग्राम 5 नंबर में। कभी कभी ओनली स्ट्रक्चर आ जाएगा कि प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को दिखाइए या फिर स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना होगा एग्ज़ाम में 3 नंबर में। तो स्टार्ट करते हैं, प्लांट सेल को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारी प्लांट सेल है या फिर पादप कोशिका है, उसे टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेकेंड है रिक्तिका, वैक्यूल। थर्ड है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। जब आप एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन करोगे, आपको एक क्वेश्चन कैसे करना है, पहले आप लिखोगे प्लांट सेल को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। मैंने स्पेस के वजह से डायरेक्ट हेडिंग्स कर दी हैं, लेकिन आप पहले क्या करोगे, तीनों हेडिंग्स का नाम लिखोगे। जैसे प्लांट सेल को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, डैश कोशिका भित्ति, रिक्तिका एंड जीव द्रव्य, तब आप नीचे हेडिंग वाइज स्टार्ट करोगे। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग है कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में बोल रहे हैं सेल वॉल। और आपको हर वर्ड हिंदी में, अगर आप हिंदी में प्रेफर करते हो तो हिंदी में कर सकते हो, बट आपको साथ साथ इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। और एग्ज़ाम टाइम में आप ऐसा नहीं करोगे कि हिंदी में लिख के ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख दिया, या तो हिंदी में लिखोगे या फिर इंग्लिश में ही लिखोगे। ओके, ये मैंने आपको जिससे याद रहे सारे वर्ड्स हिंदी में और इंग्लिश दोनों में, इसलिए ऐसे लिखा है। कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वॉल। यह सेलुलोज की बनी होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए सेलुलोज की बनी होती है। इसकी आउटर लेयर मिडिल लैमिला कहलाती है। आउटर लेयर किसकी? आउटर लेयर सेल वॉल की। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। सेल वॉल की आउटर, सबसे आउटर लेयर किसे कहते हैं, सबसे बाहरी परत जो होती है उसको वो कहलाती है मिडिल लैमिला। MIDDLELAMELA मिडिल लैमिला कहलाती है। यह कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की बनी होती है। इस थ्योरी में जो एक एक लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक्स में से या फिर जो आपको ये चैप्टर है स्टार्टिंग के जिसमें हम सेल्स पढ़ते हैं, या जो भी मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बाय चांस आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मिडिल लैमेला कहलाती है। यह कैल्शियम मैग्नीशियम की बनी होती है। अब ऑब्जेक्टिव, तीन लाइन में कितने सारे ऑब्जेक्टिव बन गए। आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि सेलुलोज सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। सबसे आउटर लेयर को क्या कहते हैं, मिडिल लैमिला कहते हैं, जो किसकी बनी हुई है, कैल्शियम जिसे Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम Mg की बनी होती है। सेल की परिपक्व, परिपक्व क्या होता है, मैच्योर स्टेज। ठीक है, मैच्योर अवस्था में एंजाइम के प्रभाव से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम घुल जाते हैं, जिससे सेल ढीली पड़ जाती है। इस लाइन का मतलब क्या है, जब सेल की मैच्योर हो जाती है, सेल परिपक्व अवस्था आती है, तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनके इफ़ेक्ट से या जिनके प्रभाव से जो इस सेल में प्रेजेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है वो सब नष्ट हो जाते हैं या फिर घुल जाते हैं, जिस कारण क्या है, हमारी जो सेल है ना वो ढीली पड़ जाती है। ठीक है, इसी वजह से ज़्यादा पके हुए फलों की परत,
मुलायम होती होगी। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ये लाइन क्यों लिखी गई है कि इसी वजह से ज़्यादा पके फलों की परत या लेयर मुलायम होती है। आपने देखा होगा मैंगो होता है या कोई भी फ्रूट होता है, आप मैंगो ही ले लो, अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ आम होता है तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है सॉफ्ट सॉफ्ट सा, मतलब हम जब हाथ से टच करते हैं उसको बिना काटे तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा फील होता है। तो उसका कारण क्या है, यही कारण है कि उसकी सेल वॉल में जो भी प्रेजेंट कैल्शियम मैग्नीशियम थे वो सब एंजाइम के कारण क्या हो गए, घुल गए। इस वजह से ही वो इतना सॉफ्ट, उसकी आउटर लेयर एकदम पतली हो गई है या मुलायम हो गई है। तो बाय चांस अगर आपका वाइवा है और एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि जो आपके फल होते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं जिनके आउटर लेयर, तो वो क्यों हो जाती है, तो आप बताओगे क्योंकि जो उनकी सेल वॉल है उसमें प्रेजेंट जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस हैं वो क्या है, एंजाइम की वजह से घुल गए हैं या फिर डिस्ट्रॉय नष्ट हो गए हैं। इस वजह से जो मैंगो है या फिर कोई भी फ्रूट है वो बहुत ज़्यादा उसकी लेयर सॉफ्ट हो जाती है या फिर मुलायम हो जाती है। मिडिल लैमिला के नीचे प्राइमरी वॉल तथा उसके नीचे सेकेंडरी वॉल होती है। मिडिल लैमिला आपको पता है क्या है, मिडिल लैमिला क्या है, आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की सबसे बाहरी लेयर मिडिल लैमिला। तो मिडिल लैमिला के ठीक नीचे की जो लेयर है प्राइमरी वॉल, प्राइमरी होती है प्राथमिक, द्वितीयक होता है सेकेंडरी, प्राइमरी प्राथमिक सेकेंडरी द्वितीयक। तो मिडिल लैमिला के ठीक नीचे वाली वॉल, जैसे आप ऐसे लगा लो ये मिडिल लैमिला है, इसके नीचे वाली प्राइमरी हो गई, इसके नीचे वाली सेकेंडरी, ये मिडिल लैमिला ML लिख रही हूँ मैं, इसे प्राइमरी, इसे सेकेंडरी, ये पूरी है सेल वॉल। ओके, तो फर्स्ट थी मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला के ठीक नीचे प्राइमरी, फिर सेकेंडरी वॉल होती है। सेकेंडरी वॉल में स्मॉल पोर्स होते हैं, पोर्स क्या होता है, छिद्र, मैं लिख देती हूँ हिंदी में भी, छिद्र होते हैं जो हमारी सेकेंडरी वॉल है, प्राइमरी में नहीं है छिद्र, सेकेंडरी वॉल में क्या है, स्मॉल पोर्स होते हैं। अब देखो ये पोर्स क्यों होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ये थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है, ये स्मॉल पोर्स इसलिए होते हैं, हमारे सेल के अंदर जितना भी लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। तो जो एक सेल है वो दूसरे सेल के जो कॉन्टैक्ट में है, मतलब जो दोनों दो सेल्स है लाइक दोनों का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहे, इस वजह से क्या है, ये बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी वॉल्स में। सेल वॉल कॉमा सेल को एक निश्चित आकार देती है, सेल वॉल क्या है, जब आउटर लेयर है तो वो क्या कर रही है, सेल को एक निश्चित शेप दे रही है। ठीक है, अगर हमारी सेल सर्किल है और जो सेल वॉल है वो भी गोल है तो वो उसको क्या है, एक अच्छी सी शेप दे रही है, निश्चित शेप दे रही है। तो सेल वॉल हो गई आपकी कंप्लीट। सेल वॉल क्या है, सेल्यूलोज की बनी है जिसकी आउटर लेयर को हम मिडिल लैमिला कह रहे हैं जो कैल्शियम मैग्नीशियम की बनी हुई है। मिडिल लैमिला के ठीक नीचे प्राइमरी वॉल है, उसके नीचे सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल में प्रेजेंट है पोर्स। क्यों प्रेजेंट है, बाई चांस आपसे कोई पूछने लगे टीचर कि जो सेकेंडरी वॉल है सिर्फ उसमें ही क्यों पोर्स प्रेजेंट है, उसमें ही क्यों छिद्र प्रेजेंट है, आप बताओगे कि जिससे कि दो सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है उनके बीच कॉन्टैक्ट बन सके, संपर्क बन सके, इसलिए ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है वैक्यूल, वैक्यूल या फिर हिंदी में बोलोगे रिक्तिका, अगर हिंदी में भी याद करो इंग्लिश में भी याद करो साथ साथ, जिससे आप आगे जो भी स्टडी करो उसमें आपको प्रॉब्लम ना पड़े क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ हिंदी में नहीं होती। रिक्तिका वैक्यूल, मैच्योर सेल, मैच्योर किसे बोल रहे हैं, परिपक्व को, मैच्योर सेल में एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है। आप सेल में एक सबसे बड़ा एक होलो या फिर एक खोखला स्ट्रक्चर होता है जिसे स्ट्रक्चर में ये है वैक्यूल। ठीक है, एक वैक्यूल पाई जाती है, वैक्यूल के अंदर सेल सैप प्रेजेंट होता है। सेल सैप किसे बोलते हैं, जो जितना भी सेल का रस होता है ना उसको हम सेल सैप बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल सैप क्या होता है तो आप बताओगे सेल का जो भी रस होता है उसे हम सेल सैप बोलते हैं। वैक्यूल के अंदर सेल सैप प्रेजेंट होता है, वैक्यूल एक क्लोरोप्लास्ट आउटर लेयर से कवर होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये क्लोरोप्लास्ट डायग्राम का है, इसको अलग रख दो। वैक्यूल एक आउटर लेयर से कवर होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
ये बहुत बार पूछा जाता है जो वैक्यूल है किसी को पता ही नहीं होता, जो इसने थ्योरी पढ़ रखी है उसे ही पता होता है। वैक्यूल की बिल आउटर लेयर होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, TONOPLAST। तो वैक्यूल क्या हो गया, वैक्यूल एक बड़ी संरचना होती है जिसके अंदर सेल का रस, सेल सैप भरा होता है। वैक्यूल की आउटर लेयर को टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग पार्ट है। कोई आपसे पूछे कि सेल का लिविंग पार्ट क्या है, तो आप बताओगे प्रोटोप्लाज्म, हिंदी में जीव द्रव्य, जो सेल वॉल द्वारा घिरा रहता है। प्रोटोप्लाज्म किसके द्वारा घिरा हुआ है, सेल वॉल। सेल हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं क्या होता है। यह मुख्य रूप से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ETC का बना होता है। प्रोटोप्लाज्म, अगर कोई पूछे प्रोटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, या ये कोई ये पूछे कि प्रोटोप्लाज्म किसका बना होता है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ETC का बना होता है। प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन के अलावा, प्रोटीन होती है प्रोटोप्लाज्म में, लेकिन उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स भी होते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग पार्ट है जो सेल वॉल से घिरा हुआ रहता है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ETC प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपकी तीनों हेडिंग हो गई जो एक प्लांट सेल के अंदर होती हैं, जैसे सेल वॉल, वैक्यूल एंड प्रोटोप्लाज्म। अब हम स्ट्रक्चर में समझ लेते हैं, और इसमें जो भी टर्म्स आई हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स आई है, प्रोटीन आई है, ये भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। आपका अगर क्वेश्चन में लिखा रहा है कि चित्र सहित समझाइए, अगर लॉन्ग में आया है तो चित्र सहित ही समझाना होगा। तो आपको ये डायग्राम मैंने स्पेस के वजह से छोटा बनाया है, लेकिन आप याद रखो आपको एग्ज़ाम में डायग्राम बहुत ही सुंदर, बहुत ही नीट एंड क्लीन बना के आना है, बिल्कुल बड़ा सा, और जो उसके अंदर आप सेल ऑर्गेनल्स बना रहे हो वो बिल्कुल क्लियर दिखने चाहिए। स्पेशली लेबलिंग में स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग गलत है तो डायग्राम में 0 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये है आपका प्लांट सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। अब देखो प्लांट सेल स्ट्रक्चर में क्या है, आपको इसे इस टाइप से ड्रॉ करना है, इसमें रटना कुछ नहीं है, आपको ये याद रखना है प्लांट सेल में क्या क्या प्रेजेंट होना है। प्लांट सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होना ज़रूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया बनाओगे आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाओगे, क्लोरोप्लास्ट बनाओगे, वैक्यूल, न्यूक्लियस, ये 5 चीज़ें आपको आपके डायग्राम में रिप्रेजेंट करनी है। अब देखो डायग्राम में फर्स्ट चीज़ क्या है, ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसे बोल रहे हैं हम माइक्रो बॉडी, माइक्रो बॉडी। ठीक है, माइक्रो बॉडी। सेकेंड स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर में इस टाइप से ये बनाना है ऐसे, और इन पे ये डॉट डॉट बनाने हैं। डॉट डॉट क्या है, ये राइबोसोम। जिन स्टूडेंट्स ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली मेरी वीडियो देखी है उनको पता होगा कि इस पर जो ये प्रेजेंट है वो क्या है, राइबोसोम। इसमें जितने भी टर्म्स आ रही हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीज़ें मैं आपको लॉन्ग में पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर लो अगर आप बाई चांस मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो। और जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है पहले से, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ER से। इसके बाद आपको क्या बनाना है, ये वाला स्ट्रक्चर की लेबलिंग रह गई, इसको बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल, रिक्तिका जिसे अभी हमने पढ़ी थी। तो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या बनाना है, सबसे सेंटर में बनानी है आपको वैक्यूल, वैक्यूल बनानी है, इसके अंदर आपको माइक्रो बॉडी बनानी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना है, एक बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो न्यूक्लियस है। अब इस पूरे को न्यूक्लियस, अब आप सोचोगे है ये न्यूक्लियस, बस इसके 3-3 लेबलिंग क्यों हो रही है। न्यूक्लियस की सबसे आउटर लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर के बीच में जो ये स्पेस हो रहे हैं इनको न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपने लॉन्ग में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, सबसे बाहर की वाली लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बीच में जो छोटा छोटा गैप है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को आपने एरो लगा के लिख दिया न्यूक्लियस। और क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, आपने जब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था उसमें अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को आप देखते पहचान लोगे कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें नीचे सेम स्ट्रक्चर है, ये हो गया ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बन रहा है
ये है गोल्जी बॉडी, जिसे गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। उसके बाद ये स्ट्रक्चर बन रहा है, एक देखो इन दो, इसमें दो स्ट्रक्चर सेम जैसे लग रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन जिसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और जिसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो जब आप प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाओगे, इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं है। प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि हमें सेंटर में, ज़रूरी नहीं है कि मैंने नीचे गोल्जी बॉडी बनाई है तो आप भी नीचे गोल्जी बॉडी बनाओगे। आपको इस जो स्ट्रक्चर है, पहली बात आप अपने स्ट्रक्चर का एग्ज़ाम में साइज़ देखोगे कि आप किस साइज़ का बना के आए हो, उसके हिसाब से आप अपने डायग्राम को फिल करोगे। अब जैसे मेरे डायग्राम का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने अंदर डायग्राम बनाए हैं वो सही लग रहे हैं। अब आप एग्ज़ाम में जो बाहर वाला पार्ट है ये तो बहुत बड़ा बना के आ जाओ, लेकिन जो अंदर के पार्ट है उसमें आपकी बहुत खाली जगह दिखाई दे रही है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको जो डायग्राम है वो अच्छे से फिल करके आना है। जो ये सेल अंदर सेल ऑर्गेनल्स बन रहे हैं ये काफ़ी सारे, इतने सारे भी नहीं बना देने कि बिल्कुल घनचक, बिल्कुल घिचपिच जैसी हो जाए। मतलब लगना चाहिए कि आपका प्लांट सेल डायग्राम है और आपको इसमें कुछ नहीं बनाना। आप भले से ऐसे कर लो, दो माइटोकॉन्ड्रिया बना दो, दो गोल्जी बॉडी बना दो, दो माइक्रो बॉडी बना सकते हो, दो गोल्जी बॉडी बना सकते हो, दो क्लोरोप्लास्ट। आपका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा भरा हुआ लगना चाहिए आपके डायग्राम के साइज़ के अकॉर्डिंग। बाई चांस आप छोटा बना रहे हो तो उसमें आप लिमिटेड बनाओ, जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, एक न्यूक्लियस बना दिया, एक क्लोरोप्लास्ट बना दिया, लेकिन आपने बना बनाया है तो उसके हिसाब से थोड़ी सी संख्या बढ़ा दो जिससे आपका डायग्राम थोड़ा भरा भरा सा लगे। लेबलिंग आपको पता ही है, जिसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है वो क्लोरोप्लास्ट है, जिसके जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। गोल्जी बॉडी को आप देख के पहचान लोगे। न्यूक्लियस आपको पता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोपोर है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से बनाना है, और ये हो गया आपका कम्प्लीट प्लांट सेल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।